तो गाइस ये टेक्नो कैमरा क्राउन और स्वॉर्ड कितनी अमेजिंग लग रही है। तो सबसे पहले अपने ने क्या करना है, स्वॉर्ड के लिए कुछ ऐसे लकड़ियां लगा देनी है हाथों से, फिर अपने लेनी है ग्रे कंक्रीट और कुछ इस प्रकार से अपने ने इसकी सीढ़ियां बनानी है 9 ब्लॉक तक। और अब मैं ये टेम्परेरी ब्लॉक लगा रहा हूँ, जो वुड के लगा ना ब्लॉक है टेम्परेरी, ऐसे अपने ने ऊपर की तरफ करके 9 ब्लॉक तक सीढ़ियां लगानी है। तो कुछ अब अपनी हो चुकी है 9 सीढ़ियां अब इसी के साथ। अब सभी टेम्परेरी ब्लॉक तोड़ने सबसे ईजी तरीका है ये अपना स्वॉर्ड बनाने का, फिर थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा अलग है पर बाद में सेम बन जाएगी। अब अपने ने क्या करना है, क्यान कंक्रीट लेने और सारों के स्पेस में लगाने हैं, पर कंक्रीट के आगे अपने डायमंड ब्लॉक लगाने हैं जस्ट सीढ़ियों के जस्ट नीचे की जगह है ना जो, ये यहाँ पे तो लगाएंगे सारी जगह क्यान कंक्रीट जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम करने, अपने ने बिल्कुल चेंजेस नहीं करने, पर ऐसे अपने लगाने और वीडियो लाइक करनी है ऐसे, ठीक है। क्यान कंक्रीट लगाने के बाद जस्ट कंक्रीट के आगे ना अपने डायमंड ब्लॉक लगाने हैं, हर जगह डायमंड ब्लॉक काफ़ी लगेंगे अपने, लगभग 18 के करीब डायमंड ब्लॉक चाहिएंगे, उससे ज़्यादा ही लगेंगे, 30 ले आना आप। फिर अपने डायमंड ब्लॉक के आगे फिर क्यान कंक्रीट लगाने हैं, इसमें कंक्रीट का बड़ा इस्तेमाल है, क्यान कंक्रीट और ब्लैक कंक्रीट, तो वो तो स्टॉक में रख लेना आपका इस फुल। अब अपने ने जहाँ जहाँ पे स्पेच गया ना स्पेस वहाँ पे एक बार यहाँ पे ऊपर के डायमंड ब्लॉक लगा के फिर ब्लैक कंक्रीट से भर देना है, क्यान कंक्रीट के जस्ट बाद ब्लैक कंक्रीट लगा देना है अपने ने, और अपनी स्वॉर्ड का एक शार्पनेस तैयार हो जाएगी और आधी स्वॉर्ड रेडी भी हो जाएगी लगभग इससे अपनी। अब अपने ने क्या करना है, स्वॉर्ड का थोड़ा हैंडल वगैरह और साइड के जो तीखे हिस्से होते हैं वो बनानी है। तो टेक्नो गेमर का वर्ल्ड और बारिश शुरू होगी यार, कभी तो बिना बारिश के रहो। अब अपने ने क्या करना है, आखिरी के 2 ब्लॉक को ऐसे क्यान से बदलना है, फिर अपने ने फिर से ऐसे ही बनाना सेम क्यान कॉन्क्रीट सीढ़ी टाइप बनानी है जो नीचे आएगी। तो जैसे कर रहा हूँ सेम बना लेना गाइस आप भी, और वीडियो स्लो करके देख लेना, बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा स्लो करके देखोगे तो। और ये कुछ नीचे का हिस्सा बनाना है और अपने ने अब चोरस खाली खाली सही दिखना चाहिए। अब मैं हर जगह के ब्लॉक एक्स्ट्रा कर देता हूँ जिससे ये स्पेस लगे फुल, और ये अपना नीचे का हिस्सा बन गया। स्वॉर्ड का ऊपर का हिस्सा बनाते हैं थोड़ा सा, अब ऊपर की तरफ अपने ने सेम यही काम करना है, पर पीछे से मैं थोड़ा 3D देना भूल गया, तो पहले 3D देते हैं, जस्ट उसके पीछे एक ब्लॉक ऐड करते हैं जिससे बन जाएगा 3D लुक। अब 3D करने के बाद अपने ने क्या करना है, इस तरफ आना है और ऐसे क्यान कंक्रीट लगाने हैं कुछ ऐसे आयरन कॉलम जैसे समन करता है उस टाइप से, और फिर अपने ने एक डायमंड का ब्लॉक फिर कंक्रीट कुछ ऐसे करके तब तक करना है जब तक ये अपना कंक्रीट अपने स्टैचू के साथ चिपकता नहीं है, जैसे अब चिपक चुका है सब कुछ और ये अमेजिंग भी लग रही है। पीछे का अपने ने हैंडल बनाना है, जहाँ से पकड़ेंगे तो पीछे की साइड आना है अपने हैंड के इसके उज्ज्वल के, पहले इसको 3D कर देता हूँ मैं, स्टैचू अमेजिंग है वैसे बहुत ज़्यादा। अब अपने ने इसका 3D करने के बाद पीछे की साइड आना है उज्ज्वल के हैंड के जहाँ पे अपने स्वॉर्ड है, और कुछ ऐसे सीढ़ी बनानी है नीचे की साइड, सबसे पहले 3 बार सीढ़ी बनाएंगे नीचे की साइड, 1, 2 और तीसरी अभी कर देता हूँ मैं, तो 3 होगी 1, 2, 3 ठीक है गाइस। अब अपने ने क्या करना है, 3 ब्लॉक आगे की तरफ लाने हैं, फिर ऊपर से सीढ़ी बनानी है नीचे की साइड, वो होगी 1 ब्लॉक नीचे, और इनको कर देना ज्वाइन, और बीच में फिर से वही यहाँ पे क्यान कंक्रीट फिर डायमंड के ब्लॉक ऐसे कुछ सेम बनाना है अपने ने, और ये अपना बन जाएगा स्वॉर्ड। अब स्वॉर्ड अपनी लगभग रेडी और सेम भी लग रही है। अब अपने इसके थोड़ा रेडस्टोन का काम करना है स्वॉर्ड के ऊपर, रेडस्टोन का काम कुछ ऐसे कि जैसे अपने खून खराबा दिखे, और ये उज्ज्वल ने थोड़ा दिखाया नहीं तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ ताकि ओरिजिनल लगे खून खराबे से। तो कुछ 3 ऐसे ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे लगा देना गाइस आप जैसे मैं लगा रहा हूँ, और इधर भी, और थोड़े ब्लॉक हवा में भी कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा लगेगा क्योंकि ऑफ वीडियो किया है क्योंकि बहुत कटिंग हुई है इसके अंदर। अब अपने ने क्राउन बनाना है उज्ज्वल का, उज्ज्वल के क्राउन के लिए अपने ने क्या करना है, जो ग्रे कंक्रीट है ना वूल सारी तोड़ देनी है, जहाँ पे बाल बना जहाँ पे अपने ने हेयर बनाया है उज्ज्वल के वहाँ की सब तोड़ने के बाद ये बिल्कुल ऐसे क्लीन सा हो जाएगा ग्राउंड। हाँ इसके अंदर का इंटीरियर भी बनाएंगे अपने अगले पार्ट में, तो कमेंट करो अगर आपको चाहिए, वरना मेरे क्या फ़ायदा, मैं नहीं बनाऊंगा फिर। और कुछ ऐसे अपने लगाने, और ये पीछे वाले ब्लॉक है टेम्परेरी है जिन्हें अभी तोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ तो मेरे हाथ में टेम्परेरी ब्लॉक के नाम पे यही है बस। और कुछ ऐसे लगाना है क्राउन अपने ने, अब अपने ने इसके अंदर की तरफ आना है, एक लेवल ऐसे सीढ़ी टाइप बनाना है कुछ ऐसे 3 बार, और इनको ज्वाइन कर देना है। अब बाहर से इनको फुलाना है, मतलब अंदर से नहीं ज्वाइन करना, बाहर से जोड़ना है इनको कुछ ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, और इसी के साथ अपना क्राउन का थोड़ा बाहर का बेस रेडी हो चुका है। थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा क्योंकि 1-2 ब्लॉक आगे पीछे हो गए, इसके कारण थोड़ी शेप सी नहीं आई, तो मैं अभी शेप लाता हूँ उसकी। तो वैसे अब शेप तो आ चुकी है, अपने पीछे से ऐसे ज्वाइन करना है इसके बालों के साथ, मतलब ऊपर के लास्ट ब्लॉक से बाउंड्री निकालनी है, और जिससे क्राउन का 3D लुक आएगा। और पीछे वाला आपने जो देख रहे हो ग्राउंड, अगर उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो चैनल पे आ रखा है, देख सकते हो आप जाके। अब अपने ने क्या करना है, रेडस्टोन डालना है इसके अंदर ताकि अपने को वो लगे
तकड़ा सा लुक दे अच्छी। अब अपने ने यहाँ पे एमरल लगाने हैं, तो एमरल अपने हिसाब से लगा सकते हो गाइस, क्योंकि उज्जवल ने दिखाया नहीं था एंडिंग में। पर अब अपने ने एक एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे लगाना है गोल्ड, जिससे फुल 3D लुक आएगी गोल्ड की। अपना इसी के साथ क्राउन और स्वॉर्ड रेडी हो जाएगी। लाइक करते जाना।